छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। मंगलवार को तीसरे चरण में प्रदेश की 7 सीटों पर वोट डाले गए। इसके साथ ही प्रदेश के बड़े नेताओं की ड्यूटी पार्टियों ने पड़ोसी राज्यों में चुनावी अभियान पर लगा दिया है। इस क्रम में आज बुधवार को सीएम विष्णुदेव साय ओडिशा में चुनाव प्रचार के लिए रवाना हुए। ओडिशा रवाना होने से पहले सीएम साय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का समापन छत्तीसगढ़ में हो गया है। 3 चरणों में चुनाव था, अच्छा मतदान हुआ है। जिस तरह से मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस को जनता ने फिर से नकार दिया है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ईवीएम पर सवाल उठाने पर श्री साय ने कहा, जब जब हारते हैं ऐसा ही बोलते हैं, जब जीतते हैं तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का समापन छत्तीसगढ़ में हो गया है। 3 चरणों में चुनाव था तो कल 7 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव संपन्न हुआ है और अच्छा मतदान हुआ है। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सब जगह से फीडबैक लिए हैं, पूरी सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सर, सोनिया गांधी ने बेरोजगारी पर और महंगाई पर कोई सवाल उठाया? अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं तो ले दे के फिर उसी में घूम के आ जाते हैं। अब पूरे देश और छत्तीसगढ़ की जनता उनको नकार चुकी है। इस बार लोकसभा के चुनाव में इनकी और दुर्गति होने वाली है। सर, दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया। जब जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और जीतते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता है। सर, आपने ट्वीट किया है कि भाजपा ने विकसित भारत के विजन पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस नेताओं को झूठ दे दुवाने। हाँ, तो लगातार देखने को मिला है। हमारे बड़े नेताओं को लेकर अनलगर टिप्पणी लोगों ने किया है।